तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पीपल गुड यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हमसे जो ट्रिप है और उस पर कितना खर्चा आता है। सिर्फ आपका जो खर्चा आएगा उस ट्रिप में बताने वाला हूँ, 1000 से फिर सिर्फ 1500 रुपये के बीच के अंदर खर्चा आएगा और ट्रिप एकदम मज़ेदार करके आ सकते हो दोस्तों के साथ अगर हो तो। वैसे अकेले भी करके आ सकते हो, चॉइस अपनी अपनी है, उसके हिसाब से बताने वाला हूँ मैं। तो ये हमारी ट्रिप थी बाइक ट्रिप, हम बाइक से गए थे और मथुरा की तो जो दिल्ली से मथुरा की डिस्टेंस भी आपको बहुत ही कम 150 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें आपका जो मैं पेट्रोल के बारे में बताने वाला हूँ, पेट्रोल जो मेरी लगी बाइक की तो टोटल जैसे यहाँ से दिल्ली से मथुरा, मथुरा के बाद जो वहाँ लोकल में घूमा उसके वहाँ पे इधर उधर जहाँ भी है उसके जो टोटल सारे पेट्रोल मिला के जो लगी मेरी बाइक की 800 रुपये के आसपास पेट्रोल होगी। 800 रुपये से भी कम ही लगा है वैसे, वैसे फिर भी 800 रुपये की पेट्रोल के हिसाब से लेके चलते हैं। 800 रुपये की पेट्रोल हो गया। उसके बाद फिर जैसे हम पहुँचे तो अब रात को रुकना भी था और ठंड का टाइम वैसा ही था, तो वहाँ पे हम होटल ढूंढने लगे। होटल भी कम है, धर्मशाला मिला तो धर्मशाला भी आपको ज़्यादा चार्ज नहीं था, वही 150 से 200 रुपये का चार्ज था धर्मशाला का, सस्ता ही था देखा जाए तो पर बेड एक बंदे के हिसाब से। वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे रूम बना था, हर रूम में 2-3-4 ऐसे बेड लगे होते हैं और वो आपको जो भी बेड आपको पसंद है या फिर वो जो खाली है उसी हिसाब से आपको दे देंगे, आप वहाँ रह सकते हो। तो हम धर्मशाला नहीं रुके क्योंकि क्योंकि वहाँ पे जो उस बस उसमें एक मतलब एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं जो भी करो, तो धर्मशाला के रूल अपने अपने रूल के हिसाब से होगा। तो उसमें ये था कि बाथरूम अटैच नहीं था, वो बाथरूम अलग से था जो सारे बंदे यूज़ करते थे, वही वो आपको भी यूज़ करना पड़ता, इसकी वजह से हमने वो वाला नहीं लिया। तो उसके बाद हम होटल ढूंढने लग गए, होटल फिर हमें मिल गया 1000 रुपये में, होटल मिल गया हमें और वहाँ आपको गर्म पानी वानी सब कुछ था, बाथरूम में अटैचमेंट थी। 1000 रुपये में होटल, 1000 रुपये था तो सारे बंदे, दो बड़े बड़े बेड मिल गए उसमें होटल रूम के अंदर, एक ही रूम में था तो सारे 6 बंदे वहीं से गंदे सो गए वहाँ जाके। वहाँ फिर रात को सोने के बाद सुबह जब उठे सारे बंदे तो नहाया धोया और उसके बाद फिर घूमने के लिए निकल पड़े। तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं था हमारा, प्रेम मंदिर वहाँ गए। उसके बाद फिर और भी कई सारे जगह गए, निधि उधि बन गए आपका, घाट पे गए, फिर मथुरा की साइड गए, मथुरा की साइड पे वृंदावन में रुके थे हम वैसे रात को, फिर मथुरा की साइड गए, मथुरा की साइड आप वहाँ घाट वाट पे गए, मंदिर मंदिर गए। उसके बाद आपका रेल की पटरी तक को नहीं छोड़ा हमने, वहाँ पे बस बगल में रेल की पटरी तो वहाँ भी चले, ऑटो ऑटो यहाँ से निकले। तो इन सारे चीज़ करने के बाद खाना पीना घूमना हारना यहाँ वहाँ जो भी करना था हमें मौज करना, ये सारे काटने के बाद जो हमारा टोटल खर्चा हुआ ये सारे मिला के जो 1200 रुपये के आसपास खर्चा हुआ, इससे भी कम। 400 रुपये की पेट्रोल देख लो, अगर मान लिया 400 रुपये पेट्रोल, 160-170 के आसपास पर बंदे के होटल के आ गया और 500-600 रुपये का वो खाने आ गया पर बंदे के हिसाब से। तो ये ग्रुप में थे देख तो समझ लो ग्रुप के वजह से भी हमारा खर्चा थोड़ा कम हो गया और जब बट गए इधर उधर। और उसके बाद तो सारे खर्चे जो ये है खर्चे जो मिला के सारा हुआ वैसे 1200 रुपये के आसपास, मेरे हिसाब से 1200 रुपये से कम ही हुआ था एक दिन का ट्रिप। 1200 रुपये खर्चा कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे पास वैसे टाइम भी एक ही दिन का था, दिल्ली से हम रात को निकले, वहाँ रात को पहुँच गए, सुबह को उठे घूमे घामे, शाम को वापस फिर दिल्ली के लिए निकल गए और यहाँ 10-12 बजे पहले दिल्ली के अंदर हम वापस एंट्री कर गए। तो वैसे देखा जाए एक एक दिन के ट्रिप के लिए 1200 रुपये वैसे कोई वही बात नहीं है और हमारे पास टाइम भी कमी था, एक दिन का ही टाइम था, इसीलिए से हमें एक दिन का ही टाइम मिला घूमने के लिए। तो एक दिन में के अंदर ही हम सारे घूम के आ गए और ऐसा नहीं कि बस गए मज़ा नहीं आया, मज़ा भी आया, अलग अलग जगह घूम लिए, घाट आदि इधर उधर सभी जगह घूम के आ गए। ज़रूरी नहीं एक दिन के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिले तो आप ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर घूम सकते हो। और वहाँ पे अगर होटल जैसे महंगा पड़ जाता है तो अगर जैसे एक बंदे या दो बंदे के लिए अगर होटल ज़्यादा महंगा पड़ता तो धर्मशाला में रुक जाओ, 150-200 रुपये के अंदर धर्मशाला मिल जाता। उसके बाद अगर जैसे हमारे पास तो बाइक था तो इसलिए हम भी जहाँ मर्जी वहाँ घूम लिए, जहाँ मर्जी वहाँ रोकते थे। तो अगर आपको घूमना है तो नॉर्मल वहाँ पे लोकल वही फटफट या टेम्पो वेम्पो चलता रहता है, उससे में आपको ज़्यादा चार्जेस है नहीं, तो आप भी घूम सकते हो उधर उधर टेम्पो से, वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके थ्रू आप घूम सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब तो अभी तक तो आपका होटल या घूमने वूमने के बाद था। अब ये है कि आप मथुरा पहुँचने, मथुरा या वृंदावन पहुँचने के बाद घूमोगे यहाँ पर, तो वो बारे में जगह बता देता हूँ। हमारे पास सबसे पास में तो प्रेम मंदिर था, प्रेम मंदिर के बाद आपका द्वारका वो सॉरी बल्ला हमारे सर कृष्ण मंदिर है, उसके बाद आपका निधिवन आ जाता है। निधिवन जाते जाते हमें रास्ते में एक घाट मिल गया, हम वहाँ घाट पे मिल गए,
उसके भी ये कहने के तो आस पास में जहाँ भी आप रुकोगे वृंदावन या फिर मथुरा के अंदर या उसके होटल पर आज के आस पास 20-25 किलोमीटर के अंदर सारे 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 वहीं पर जगह हैं। मथुरा के अंदर जाओगे तो आप जन्मभूमि है, द्वारका जी टेम्पल है, वहाँ पे घाट है, वहाँ पे बड़े से जो मतलब पूरी नदी आ जाती है वहाँ पे आप वहाँ घूम सकते हो। और भी सर बहुत सारे मंदिर वंदिर है वहाँ पे। पीछे की साइड जाओगे तो एक गुरु जी का आश्रम आश्रम है। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप नदी में नहाना चाहते हो तो कई सारे बंदे ये होते हैं कि थोड़े पानी वानी छीट के बस आ जाते होंगे, नदी में नहीं नहाते। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं इस ट्रिप से पहले जब गया था उस टाइम मैंने करा था और वो भी सही ज़्यादा ही सही था ना वो। तो ये था कि जब अगर आप इस साइड है तो मथुरा साइड जैसे आपका घर वाला है और दूसरे साइड आप अगर नदी के दूसरे साइड देखोगे तो आपका पूरा खाली खाली मतलब खेत भी रहता है। तो इस साइड पूरा जो पानी है मथुरा का पूरा काला काला रहता है आपका पूरे मथुरा का पानी काला काला। और जैसे नाव में बैठ के या फिर किसी भी तरह से रोड क्रॉस करके मतलब पुल जो बना हुआ नदी के ऊपर उसको क्रॉस करके अगर जाओगे उस साइड तो दूसरे साइड पानी बिल्कुल साफ है, इस साइड पानी काला उस साइड पानी साफ। तो वहाँ आप नहा सकते हो उस नदी में, यमुना नदी के अंदर जाके। अब ये पता नहीं कैसे रहता है कि मतलब इस साइड काला और उस साइड सफ़ेद पानी मतलब पूरे साफ पानी है। तो हमने भी नहाया था इस बार तो नहीं नहाया कि इस बार ठंड थी तो उसे पिछले बार हमने नहाया था। तो आप ये भी कर सकते हो अगर गर्मियों में जाते हो तो आप नदी के अंदर नहा सकते हो आराम से। ये मंदिर अंदर घूमने के बाद नहाने वाने के बाद अगर आप चाहोगे तो लोकल मार्केट घूम सकते हो। वहाँ पे लोकल मार्केट अंदर खाने पीने में जो भी रहता है वो खाना खा भी सकते हो। उसके अलावा आपका जो मथुरा का सबसे फेमस जो आपका पेड़े या पेड़े में ले सकते हो खाओ कर सकते हो। उसके अलावा जो वहाँ पर जब घूमोगे ना लोकल मार्केट के अंदर तो लोकल मार्केट में जो दुकानें वकानें बनी उसके ऊपर ना जो पुराने टाइप के होते हैं ना कलाकारी जो करी होती है दीवारों पर जिस टाइप उस टाइप से बने हुए तो उसको देख के भी मज़ा आता है। और उसके अलावा जो दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग वेंटिंग करी हुई है उस पर भी वो भी उसके भी देख के एक अच्छा ही से मज़ा आता है कि अरे कहाँ पर आ गए किस जगह पर आ गए ऐसे फील आती है। और ये सब देख सकते हो, फोटो वोटो खींच लो वहाँ पर मज़े मारो ये सब कर सकते हो। उसके अलावा जब घूमते जब लोकल मार्केट में घूमते या फिर मंदिर वंदिर में भी घूमते तो एक चीज़ का ध्यान रखना वो है बंदर, क्योंकि बंदर वहाँ पर बहुत सारे हैं और वो उनको जो भी चीज़ लगती है कि खाने की चीज़ है वो आगे झपट के छीन के ले जाएंगे अगर आपने संभाल के नहीं रखा तो या फिर आपने ध्यान नहीं दे रहे तो। सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, बंदर का तो सबसे पहले ध्यान रखना। तो बंदर अपना काम कर जाता है और आप देखते रह जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है क्योंकि मेरा ये चश्मा छीन के ले गया था किसी ने बताया। और उसके बाद आपको भी हमको देना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको मिलेगा। अगर ज़्यादा दूर लेके नहीं जाता तो ठीक है, अगर छत वत पर चढ़ गया तो फिर तो मिलेगा नहीं। इसी हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान रखना बंदर का। तो ये थी थोड़ी छोटी सी जानकारी, अगर आप लोगों के काम आ जाए तो अच्छी बात है। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली से सिर्फ आप बाइक से जाओ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस भी जाती है ट्रेन भी जाती है, अगर पैदल जाने का तो पैदल भी जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं 150 किलोमीटर ही है बस, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। हमारे पास तो बाइक रहता हूँ इसीलिए बाइक से चले गए एक राइडिंग के मज़े लेने के लिए, सर्दियों में घूमने के लिए और वहाँ के मथुरा का तो पता ही है आप। तो ये थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो भाई साहब लाइक कर देना, कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और किसी काम आ जाएंगे घूमने के लिए अगर जाना चाहेंगे वहाँ तो थोड़ी बहुत जानकारी अपनी यहाँ से मिल जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही वीडियो आते ही रहेंगे इस चैनल पर ना। तब तक के लिए बाय।